Hello everyone, I am Ishika Singh, your host for today. And I'm Ayush Divedi, your co-host for today. We welcome you all to yet another exciting session of Saturday Suspense, brought to you by Life Talks ISM. We have with us Mr. Namit Shah, our guest for today, who has lots of achievements at a very tender age. He has been associated with hit shows like Sweet Life of Karan and Kabir, Jhansi Ki Rani, and Balveer as a child actor. So we are very hallowed to have you on our show, sir. A very warm welcome. Thank you so much for having me. It's really great to be with you guys right now and like talk and have fun. Thank you so much for having me. We are very pleased. We are very grateful that you are here. So I am very grateful. The pleasure is all mine. So without further ado, let's begin with the first segment, which is a questionnaire on your personal and professional life. So you up for it? Okay. Yeah, so up for it. Yes, yes. So my first question to you would be, what is the most fun thing you did in the lockdown? The most fun thing I did in the lockdown, first of all, lockdown ke kuch time pehle hi maine ek dog liya tha. Matlab mere doston ne mere 18th birthday pe mujhe ek dog gift kiya tha. To aur mere ghar pe ek terrace hai, theek hai, I have a terrace flat, jiski wajah se my whole lockdown was spent so well because of my dog. 24/7 ना मुझे नींद आती थी क्योंकि मैं भी थकता नहीं था और वो तो इंसान है ही नहीं तो उसको वो तो सोता ही नहीं है तो हम दोनों पूरा दिन खेलते रहते थे. वी वुड प्ले फेच, वी लाइक यू नो वी ब्रेक समथिंग टुगेदर. मम्मी पापा को साथ में है परेशान करेंगे एंड इवन आफ्टर बीइंग अ डॉग इट अंडरस्टैंड सो मच. परेशान करने के टाइम पे इट अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो उसके साथ इतनी मस्ती की है ना मैंने, इतनी ज्यादा मस्ती की है. And the best part is, मेरे पास एक छोटा सा कीबोर्ड था तो मैंने कीबोर्ड भी थोड़ा बहुत बजाना सीखा. एंड मैंने मतलब बाकी तो फिर पबजी और कॉड मोबाइल चालू ही था तो बस. बहुत मुझे ऐसा लगा ही नहीं लॉकडाउन है ऐसा कुछ. I was enjoying my life. Yeah, right. Even I had, I had a pet as a, I had a rabbit, right? So I brought it from himself. Yeah. तो मैंने उसका नाम रूबी रखा था. तो हम मतलब अब ये अभी का नहीं बात है, मतलब हो गया उसको काफी टाइम. लेकिन मतलब जो मजा आता है ना जब एक आपका मतलब आपके साथ एक पेट हो और आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, तो मतलब जैसे कोविड का स्ट्रेस टाइम है ना, वो भी ऐसे आराम से निकल जाता है. बहुत बहुत आराम से. पेट्स आर रियली वंडरफुल. आई मीन बहुत मजा आता है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हाउ डिड यू एंटर द इंडस्ट्री एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट? एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, अभी ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात है. मैं नया नया फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया था और मॉल में गए थे हम लोग कोई, और वहां पे वो होता है पता है बच्चों के लिए थोड़े फंक्शंस रखते हैं लोग. मतलब बच्चे को ऊपर स्टेज पे बुला के थोड़ा मैजिक करेंगे, थोड़ा डांस करवाएंगे. तो था तो मतलब मैं भी चला गया उसमें एज अ किड. तो मतलब मैं भी चला गया तो वो हुआ. फिर आई मीन लाइक प्राइज दिया, ये वो हुआ. एंड ऑन द स्टेज इट वॉज ऑल डांसिंग एंड एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग. So I did that and like a group of directors and like, you know, people from this industry was sitting there. The casting directors honge kuch. To unhe mom dad ko approach kiya ki matlab ja sakta hai aapka beta is industry mein agar dalna hai to. To phir mom and dad ne bola theek hai ek baar try kar lete hai, kya farak padta hai. Ek ad to ek ad kar lete hai. So my first ad was an HSBC commercial for UK. और वो इंडिया में रिलीज नहीं हुआ था. एड कॉस इंटरनेशनल था. हम लोग ने मतलब हमारा पूरा जो क्रू था शूट करने वाला, सब गोरिये थे, कोई भी इंडियन नहीं था. दैट्स वेरी रेसिस्ट बट इट्स ओके. तो सब एवरीवन वाज अ फॉरेनर. एंड लाइक किया हम लोग ने एड शूट यहाँ पे ताज कोलाबा, लेकिन इंडिया में रिलीज नहीं हुआ. तो मैंने बोला अरे फिर मतलब क्या है, नहीं एक और करेंगे तो एक और करेंगे. तो फिर एक और ऐड किया और फिर ऐड के साथ साथ सेम प्रोडक्शन हाउस कुछ टीवी शो बना रहा था, बिदाई, आई स्टिल रिमेम्बर. तो उन लोगों ने मुझे बिदाई में भी कास्ट कर लिया. तो वो मेरा सेकंड शो हो गया. देन आई डिड अ फिल्म. ऐसे ट्राई करते गए मॉम ने बोला चलो ऐड हो गया, सीरियल भी हो गया, एक मूवी भी ट्राई कर लेते. सब ट्राई करते गए, फिर सब मिलता गया तो हर एक चीज पकड़ते गए और फिर कभी बंद हुआ ही नहीं.
तो इट वाज लाइक मतलब पता नहीं था कि हम ऐसा करेंगे, बट हो गया बस अपने आप. हाँ हाँ बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि एक्टिंग इंडस्ट्री में डालेंगे मुझे, बट फिर अच्छे से चलने लगा तो बोला ठीक है जब तक चालू है चालू रखो. आई गेस आपने मतलब फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री दोनों में काम किया है, सो विच डू यू प्रेफर द मोर, और या फिर दोनों आपको अच्छे लगते हैं? मुझे तो मतलब डिज्नी का जो शो था ना वही बेस्ट था, ना ही डेली सोप ना ही मूवीज, दोनों ठीक है चलो कर लिया, लेकिन डिज्नी के शोज का सेट और हमारा जो प्रोडक्शन हाउस था करना कबीर, और मैंने दो शोज किए डिज्नी के, दोनों सेम प्रोडक्शन हाउस से किए और दोनों एज अ लीड किए है, जो डिज्नी में बहुत कम लोगों को अलाउ करते हैं. मतलब मेरा करना कबीर रिपीट चल रहा था तब भी मैं गोल्डी आहूजा मेट्रिक पास में एज हैरी आहूजा ऑन स्क्रीन आ रहा था. And me and Tara are the only two people जो on screen दो Disney के shows में दो different different characters play कर रहे थे. तो हमारा वही एक production house था, Troublemaker Studio नाम था. तो मतलब उन लोग का set अलग ही होता है, इतना भी stress नहीं है उन लोग के set पे, इतना भी stress. बिल्कुल भी स्ट्रेस या मतलब अरे जल्दी करना है जल्दी करना है, अरे नहीं 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 काम ऐसे नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं. इतना आराम से हम लोग प्रैंक्स पे प्रैंक्स कर रहे हैं, लेकिन दिन में फिर भी मॉर्निंग 9 to evening 7 हम लोग का शूट चलता था. बाकी सेट पे सुबह 7 से शाम को 7, कभी कभी 9 बज जाते 10 बज जाते थे, ऐसा होता था. तो यहाँ पे मॉर्निंग 9 to evening 7 हम लोग अपना 10 सीन आराम से दिन में शूट कर लेते थे मस्ती करते करते, और 10 बड़े बड़े सीन. तो इतना चिल काम मैंने कभी नहीं किया. तो करना कबीर का सेट लाइक इज द बेस्ट आई वुड से. सो यू स्टिल गेट टू टॉक टू करण एंड और आप उनसे बात होती है उनसे करण से या फिर अभी? हाँ हाँ होती है, यही रहता है मेरे घर से थोड़ा ही दूर रहता है तो हम लोग मिलते भी है काफी. अगर मैं शाम को जिम गया तो हम लोग शाम को साथ में जिम जाते हैं. So you were having fun shooting the show and we were having fun watching you because I'm glad you all had fun. How would we not have fun? So Disney ke shows were like, matlab bachpan you would be like relating something to bachpan, Disney would be there. And about having a privilege, like as a kid you were on national television. So kuch privilege tha school mein ki yaar this person comes on television, so people would be like gathering around you. स्कूल में लाइक जो बच्चे थे मेरे अलावा वो लोग मतलब एक्साइट से ज्यादा मतलब थोड़े से मतलब उन लोग को कम मिल रहा था वो थोड़े, आई वोंट यूज द वर्ड जेलस कॉज राइट नहीं होगा बिकॉज बच्चों में वो होता है, एक तो एक के पास मतलब बड़ी चॉकलेट होती है तो छोटी चॉकलेट वाला बोलता है अरे नहीं मुझे भी वो चाहिए. तो फॉर दैट आई वॉज प्रीटी मच हेटेड फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. मैं स्कूल में जाता भी था तो भी यहाँ तो आखिरी बेंच पे मैं सो जाऊंगा, थोड़ा उठाएगी एक सेकेंड ना मेरे इसकी बैटरी लो हो गई है. Am I audible guys? Yeah. Sorry, इसकी बैटरी लो हो गई है तो अगर एको आएगा तो मतलब मुझे बोल देना मैं म्यूट अनम्यूट म्यूट अनम्यूट कर लूंगा. तो मतलब काफी मतलब आई वॉज प्रिटी मच हेटेड. मैं स्कूल जाता भी था तो भी सो जाता था, टीचर डांट के उठा लेगी थोड़ी देर, हाँ ठीक है थोड़ी देर वापस जाग लूंगा, हाफ डे चलो शूटिंग का टाइम हो गया निकलो भैया सब मिलते हैं बाय बाय, मैं निकल लेता था. स्टिल आई मीन आई वुडंट इवन टॉक टू एनीवन, बट स्टिल आई मीन लाइक स्कूल में इतना मजा नहीं है, लेकिन टीचर्स बहुत पसंद करती थी मेरे को, मेरे टीचर्स देखती थी ना तो टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, आई मीन लाइक दैट वॉज गुड. क्राउड भी बहुत फील होता होगा आपके ऊपर. Yes, exactly. When we were like just going outside the school, representing our schools for like some sports or some extempore, उस time पे भी हमें काफी इज्जत मिलती थी. So it must have been a altogether very different experience because you were on national television at such a tender age. Yes, yes. In fact, मैं school में basketball player भी था. मैं DSO और MSSA दोनों खेल चुका हूँ, जीत भी चुका हूँ. Oh, same place. I was also a basketball player, but I only went to the regional level. So, regional was the biggest event I went to. After that, I haven't been like to the national.
हाँ सेम, मतलब मैं भी हाँ ठीक है, हाँ ठीक है चलो ऐसे करते हैं, चले गए थोड़ा बहुत खेल लिया, हाँ ठीक है जीत गए। एग्जैक्टली द कैरेक्टर यू प्लेड इन द शो द सूट लाइट ऑफ करण एंड कबीर, सो वी सी कबीर एज यू नो अ वेरी ओबीडियंट सॉर्ट ऑफ अ किड एंड वेरी काम एंड कंपोज्ड, सो हाउ आर यू इन एक्चुअल रियलिटी एज कंपेयर टू द पर्सन इन द रियल लाइफ? मैं बिल्कुल भी काम और कंपोज नहीं, मैं बहुत मस्ती करता हूँ, मैं पढ़ाई में भी काफी एवरेज हूँ, मेरे ज्यादा से ज्यादा अगर आए हैं तो अभी लास्ट टाइम 97% आ गए, वो भी बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम। उसके अलावा मुझे लाइफ में 85% से कभी इतना भी ज्यादा नहीं आया। मैं मतलब मन किया तो मैं पढ़ लूंगा थोड़ा बहुत और एग्जाम दे दूंगा। कबीर पूरा टाइम पढ़ता रहता था, कबीर इतनी मस्ती करता था, मैं इतनी मस्ती करता हूं, और कबीर काफी नर्ड था, मैं बिल्कुल नर्ड नहीं हूं। तो मतलब मैं फुल ऑन हैप्पी गो लकी हूं, मैं कबीर जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। इट्स रियली गुड, मतलब एंजॉय करने वाले लोग ही अच्छे होते हैं। लाइक देर आर पीपल, लाइक यहाँ पे चार लोग हैं ना, तो इनमें से कुछ एकदम पूरे नर्ड्स होंगे जो दिन भर बुक्स के साथ ही टाइम गुजार रहा है, एंड इधर बड़े बड़े चश्मे लग गए। बट स्टिल, तो हैव यू एवर फ्लेक्स्ड अबाउट बीइंग ऑन नेशनल टेलीविजन और लाइक मीटिंग ह्यूज फिल्म स्टार्स? मतलब अब तो मैं जाके यहाँ पे फेंकूंगा कि भाई मैं तो इनसे मिलके आया। जिस टाइम मैं ऋतिक रोशन से मिला था ना, अब लाइक मैंने ऋतिक रोशन के साथ फोटो खींची है, मैं ऋतिक रोशन से मिला हूँ, बस बात खत्म। आई एम द स्टार, मैं ऋतिक से मिला हूँ, मतलब मेरा वैसा फेंकना, मतलब था। इट इज अ थिंग टू फ्लेक्स अबाउट। लाइक पता नहीं, हमने अभी ऐसा मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि आई मेट समबडी आई विल बी लाइक फ्लेक्सिंग अबाउट, बट इट्स अ थिंग टू फ्लेक्स अबाउट। आई विल फ्लेक्स अबाउट दैट आई हैड अ पॉडकास्ट विद यू। Oh, yes, nice. yes, 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 definitely. I hope that's flexible. That is. उसमें तो फुल अलग ही एक्सपीरियंस था, मतलब घोड़ा चलाना सीखा था मैंने, मैं घोड़े से गिरा भी था, मेरा हाथ भी टूटा था, और मतलब मैंने तलवारबाजी सीखी थी, मैंने भाला चलाना सीखा था, मैंने सारी चीजें सीखी थी। इट वाज अनदर लेवल एक्सपीरियंस। झांसी की रानी कॉन्टेलो प्रोडक्शन हाउस, हम लोग गुजरात में शूट कर रहे थे, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर में, एंड वहां पे मतलब एक दिन हम लोग ने सबसे ज्यादा घोड़ा चलाया था, दैट वाज फॉर 13 hours, 13 hours I was on the horse and I was riding the horse continuously. And the worst part is, जिस टेबल से उन लोग ने घोड़े मंगाए थे, उसमें मुझे जो घोड़ा उन्होंने दिया था, वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव था। अभी क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे मेरी हॉर्स राइडिंग सबसे अच्छी होती थी। तो हम लोग जुहू बीच पे प्रैक्टिस करते थे, इट्स इन मुंबई, जुहू बीच, तो वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और मतलब गुजरात साइड शूट था, तब भी ये घोड़ा कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, कुछ भी कर लो, जितना भी उसका वो जो लगाम होती है खींच लो, ये कंट्रोल हो ही नहीं रहा है घोड़ा। फिर सुबह 6 o'clock से 8 o'clock तक मैंने वो घोड़े को थोड़ा घिसा, उसको समझा, उसके साथ उसको खाना वाना खिलाया कि भाई प्लीज वी आर फ्रेंड्स, ओके प्लीज कंट्रोल होना है, ओके वी आर फ्रेंड्स, ऐसे कर। और फिर तब जाके वो थोड़ा कंट्रोल में आया, वरना वो भी नहीं। और लास्ट सीन में वो घोड़े ने मुझे ऐसे करके फेंका है, क्योंकि वो भाई थक गए थे, स्टार थे घोड़े सर हमारे, तो फिर मैं गिरा घोड़े से और हाथ मेरा ऐसे टूट गया था थोड़ा सा, यहाँ पे लग गया था, पत्थर वत्थर घुस गए थे, बिकॉज वी आर शूटिंग ऑन अ मडी ग्राउंड, अ वेरी मडी स्टोनी ग्राउंड। तो झांसी की रानी अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड द कास्ट वॉज ऑल्सो वेरी गुड। आई मीन लाइक द गाय हु वॉज प्लेइंग बाजीराव, ही वॉज playing Tenali Rama in an old Tenali Rama show, which was very famous, and he was a big artist. Then Rajesh Shingarpure, he was a very good artist. Anshul Trivedi, and like all Anushka Sen, lovely actress, very very good actress, and we are good friends. अभी कल उसका बर्थडे था, हमारी बात हो रही थी, and she is doing खतरों के खिलाड़ी right now, which is like, and she's performing so well. I'm so happy for her. So like Jhansi Ki Rani was also a very good experience, because the people that I got to work with, I learned a lot from them, and like it was really something different, something very much different than like, you know, I mostly act or do. So when you're working with like very big stars, so
is it intimidating or you like face it ki bhai seekhna to hai hi to seekhenge to bade logo se hi, so it's kind of that or you get like scared or I'm working with such people? See, start with मतलब बड़े एक्टर को देख के एवरीवन गेट्स स्कैर्ड, अरे मेरे मेरी इनके सामने कुछ गड़बड़ हो गई, इनका टाइम मैंने वेस्ट कर दिया यू. बट एट द एंड व्हेन यू सी द बिगेस्ट स्टार्स आर द मोस्ट फ्रेंडली पीपल, आर द मोस्ट फ्रेंडली पीपल. इनफैक्ट मैंने बोला ऋतिक सर के साथ, नाउ ऋतिक सर ही इज मतलब माई गॉड, I follow Hrithik Roshan a lot and I legit मैं तभी तो मतलब ऐसे Hrithik sir मिल गए, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था थोड़ी देर के लिए, मतलब भगवान सामने आ गए वैसे, and that to his abs and every बाप रे. तो तो I mean like और तभी मुझे था कि अरे इनके साथ कुछ झोल हो गया तो मतलब डायलॉग गलत बोल दिए, मतलब एक्साइटमेंट में ये वो कुछ हो गया तो, and then later मुझे मतलब मेरे एज के भी काफी एक्टर्स थे वो मूवी में, मैं कृष्णा हूँ जो मूवी थी, तो उसमें ऋतिक सर वाज गेस्ट अपीयरेंस, तो उनके साथ मेरी इतनी अच्छी नहीं बनी जितनी मेरी ऋतिक सर के साथ बनी और उनके साथ मैंने जो काम किया. इनफैक्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ही वाज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ माई फादर इन द शो जीत जाएंगे हम, इयर्स अगो, इट यूज टू कम ऑन सोनी टीवी एंड ही वाज प्लेइंग माई फादर, एंड that time also he had done New York and all these films and he was pretty much known. तो उनके साथ भी काम करने के time पे mom is like ये बहुत बड़े actor है, dialogue अच्छे से बोल रहे हैं. mom मैंने बोला हाँ अच्छा है ठीक है चलो very good, stress में डाल दो अब, नहीं नहीं और बोल दो. and then उनके पास गया और वो तो और बेटे कैसा है, ये वो इतने अच्छे से मतलब उनके साथ बनती है ना कि मजा आ जाता है. तो also for the TV industry very friendly. Huh? And yeah, also with the TV industry, so matlab TV industry bhi has changed a lot, like since you started working until now, it's changed a lot. So how do you see that growth? Is that satisfactory or like you wanted more from the TV industry? See, now TV industry, to be very honest, let's face it. Aap TV industry mein se koi bhi ek show dekhte ho. Aap dekhte ho. TV daily soap dekhte ho. Sab, yeah. Sab TV, Sony TV, kuch bhi dekhte ho. Sab TV, kya Tarak Mehta? दो या तीन आज अभी पूरा व्यू टेक ओवर टीनेजर्स ने कैप्चर कर लिया है. ठीक है, नाउ आई मीन लाइक द टीनेजर्स आर द ओनली पीपल जो मतलब सबसे ज्यादा देखते हैं, एंड एवरीवन इज बिहाइंड ओटीटी, OTT और फिल्म्स, और फिल्म्स भी आजकल कहाँ रिलीज हो रही है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे. सो लेट्स फेस इट, टीवी इंडस्ट्री, आई मीन कौन सास बहू वाली सीरियल गया टाइम, बागली की दुनिया इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट, और इसमें वो भी नहीं करता, इट्स समथिंग विच इज यू नो अ बिट मोर रिलेटेबल देन लाइक यू नो ऑल अदर शोज, एंड इट्स अ बिट मोर आई वुड से इट्स बिट मोर मॉडर्न देन लाइक यू नो अदर शोज. मतलब अभी तारक मेहता भी मतलब इतना साल हो गया चल रहा है ठीक है, लेकिन कितना ही खींच लोगे, कितना ही खींच लोगे. तो अकॉर्डिंग टू मी टीवी इंडस्ट्री, हाँ ठीक है, अगर वो लोग कुछ एकदम नया फटके हटके मसालेदार नहीं लाए तो OTT इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग. अभी तो थिएटर्स भी बंद रहे, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हाँ टीवी में Amazon Prime Netflix लगा के देख लो जो देख रहे हो, खत्म है. yes, exactly. so, OTT ka, when we are talking about OTT, so is there some project that's like we can see you in future OTT pe? Is there something like that? हम लोग ने गोवा जाके एक शो शूट किया था Life of Five, यही लास्ट दिसंबर में हम लोग गोवा गए थे और हम लोग ने Life of Five करके एक वेब सीरीज शूट की थी. वेरी सून अभी भी बात चल रही है चैनल से और प्रोडक्शन हाउस के साथ, वेरी सून आइदर इट विल बी ऑन MX Player और Amazon Prime, ये दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे आएगी और वो लोग वही चैनल ही डिस्कस कर रहे हैं, अगर Amazon पे मिल गया फिर MX पे क्यों डालेंगे, MX कौन देखता, तो Amazon पे, वरना फिर MX Player पे लॉन्च कर देंगे, तो वही चल रहा है बस. Okay, so we hope to see you there. Yes, 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 definitely. Even I am hoping to see myself there. So I guess the next question we have, you have actually answered it to much extent. So it was about like the most TV actor is a dream of getting a chance, you know, in a film too. So how did you sign your first film and your overall experience there? मुझे तो मेहनत करनी नहीं पड़ी थी. I mean, like मैंने एक छोटा ऑडिशन दिया और उन्होंने बोला ठीक है. ब्रेक के बाद was my first film when I was playing Imran Khan's childhood. And
Shruti Seth, the lady who played my mom in Karana and Kabir, his husband was the director for that film. So I know Shruti Didi from then. उसके बाद थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में मैंने ब्रेक के बाद शूट की और उसके बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड में तो मतलब मैं और श्रुति दीदी साथ में काम कर रहे थे. मैंने तो फर्स्ट डे पे उनको नोटिस भी नहीं किया, अरे ये तो दानिश भैया की वाइफ है, हाइला इनको तो वहां देखा था. सो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी. आई मीन लाइक आई गेव वन ऑडिशन एंड लाइक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इमरान खान से थोड़ा बहुत सिमिलर मैच करता था तो मिल गया रोल. So, about the industry, like you're working in the entertainment industry and you've been a part of it like bachpan se, you have been there. So, matlab holding on to it, it becomes tough when like you have been associated with it for like such a long time. So, how do you plan to retain that? Ki idhar hi rehna hai yahi pe and stay strong over here. So, how do you plan to do that? Agar main life mein kuch bhi karunga, main industry se related hi karunga. Mujhe iske baar jana hi nahi. Because mujhe yahan pe abhi maza aa gaya. Ye ek set ho gaya hai. तो अभी इतने टाइम से मतलब 13-14 इयर्स भले बीच में 2-3 साल का गैप जो भी है लेकिन इतना अगर करने के बाद अगर मैं फिर इसको छोड़ दूंगा ना तो इतना जो किया है वो वर्थ नहीं. साइड बाय साइड क्यों नहीं, हजार चीजें करूंगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा मैं. या तो मतलब अच्छे पैसे कभी आ गए, अब मैं अंबानी बन गया तो प्रोड्यूस कर लूंगा, या तो फिर मतलब एक्टिंग में अच्छे निकल गए तो एक्टिंग कर लेंगे, या डायरेक्शन तो सीख ही रहा हूँ तो डायरेक्शन भी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ लेकिन इसी इंडस्ट्री में मैं करूंगा. ओके सो अब आप, मैंने आपको बताया आप बागले की दुनिया में तो कर ही रहे हैं, आप पार्ट हैं उसका एंड यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ बागले की दुनिया. आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ विवान जो मतलब जो बागले जो है उनकी डॉटर का दोस्त बनता है लेकिन दोस्ती दोस्ती में मतलब बागले को उससे बहुत इनसिक्योरिटी होने लगती है बिकॉज वो एकदम मॉडर्न टाइप का बंदा है, यूएस से शिफ्ट हुआ है, व्हाट्सअप बेब बेब उसके लिए मतलब रूड बोलते हैं वैसे वो सबको बेब बोलता रहता है तो उसको अरे ये तो मेरी लड़की पे लाइन मार रहे हैं लेकिन उसका कभी ऐसा इंटेंशन नहीं होता. तो वैसे पूरा मतलब एक मेरे और बागले के बीच में मतलब मिस्टर बागले राजेश बागले के बीच में हम लोग के बीच में थोड़ी अनबन दिखाई है, फिर मेरी और सखी की प्यारी सी दोस्ती दिखाई है एंड लाइक उसमें आई एम अ डांसर ऑल्सो. सो बहुत कंटेंट है बागले की दुनिया में, बहुत कंटेंट है, इट्स रियली नाइस. बागले की दुनिया इज अनदर शो जिसका सेट मुझे काफी लाइवली लगता है और इतना अच्छा सेट मैंने कहीं नहीं देखा. आई मीन लाइक आफ्टर करण और कबीर इफ आई से बागले की दुनिया इज द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट सेट. सो हाउ इज राजेश बागले इज यू नो आप रियल लाइफ में तो आपसे बड़ी इनसिक्योरिटी फील करते हैं, रियल लाइफ में कैसा रिलेशन? अरे सुमित सर वेरी चिल पर्सन. मैंने बोला ना जितने बड़े एक्टर्स होते हैं उतने ही मतलब इतने फनी, मतलब जैसे ही एक्शन बोला तभी वो अपने कैरेक्टर में, जैसे ही कट बोला ना एक जोक तो निकलेगा एक जोक तो निकलेगा उनके मुंह से और इतना एंटरटेन करते हैं. छोटा सीन भी रहेगा ना उसको इतना लाइवली बना देंगे कि मतलब देखने में और करने में भी मजा आ जाएगा. आई वाज लाइक दैट वेरी वेरी गुड पर्सन. आई मीन लाइक मजा आया उनके साथ काम करने में. अभी भी चालू है काम, तो अभी वापस शूट पे बुलाएंगे 2-3 दिन में. Yeah, I saw that in this, you know, pandemic sort, they were shooting in a hotel somewhere in Silvassa. That's what the show. Right? They were. So how's it all going? मुझे भी वहां पे बुला रहे थे शूट करने के लिए लेकिन मतलब मुझे कोविड हो गया था तभी अप्रैल एंड में, अप्रैल मई में मुझे कोविड हो गया. मैंने बोला ठीक है मैं नहीं आ सकता. So, COVID was like one reason कभी COVID से एकदम परेशान हो गए कि नहीं अब ये खत्म हो जाना चाहिए, it should like get vanished from the world, like ऐसा कुछ कभी feel हुआ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हमें college जाने नहीं मिल रहा. मैं अपने दोस्तों को कैसे मिलता था, हम लोग कॉलेज जाते, मेरे सारे दोस्त मेरे कॉलेज में, बचपन के भी जितने दोस्त है ना सब मेरे कॉलेज में. आई मीन लाइक मेरे बहुत कम दोस्त है लेकिन जितने भी है सब कॉलेज में ही है. तो हम लोग कॉलेज जाते थे ठीक है, बाहर से कॉलेज देखते थे, अच्छा ठीक है चलो ये कॉलेज है ठीक है देख लिया, मारो यूटर्न चलो थिएटर चलो पिक्चर देखेंगे या फिर चलो कोई कैफे में खाएंगे. वी यूज टू हैव इतना ज्यादा फन, कभी लेक्चर भी बैठे तो भी इतना एक्साइटमेंट होता था ना, इतना एक्साइटमेंट होता था. आई एम मिसिंग दोज डेज. मतलब मैं मुंबई के मिठीबाई कॉलेज में पढ़ता हूँ और मिठीबाई कॉलेज अगर आपने नाम सुना है कभी तो उसके सामने एक वड़ा पाव का स्टॉल है. पूरा इंडिया में जितना भी स्ट्रीट फूड है ना सब वहां मिलता है ठीक है. तो
वो वहां के वड़ा पाव इज माय फेवरेट और पूरे मुंबई में फेवरेट है। तो हम लोग कॉलेज देखते थे, ठीक है, सामने जाते थे, वड़ा पाव खाते थे, अगर टाइम पास करना है कैंटीन में बैठे, मिठी भाई का कैंटीन इज अ होटल, इट्स लाइक अ बिग होटल, तो हम लोग वहां पे कुछ खाते थे, वापस बाहर जाएंगे, चिल करेंगे। मैं अपने प्रोफेसर्स को भी काफी मिस कर रहा हूँ, वो सब भी बहुत मस्त थे। तो और यार घूमना फिरना बंद हो गया है, मूवीज बंद हो गई है, मैं तो हर एक पिक्चर देखता हूँ, जो भी मूवी रिलीज हुई ना थिएटर में मैं सारी देखूंगा, यहाँ पे एक नहीं देखने मिल रही है, ओटीटी पे सब आ रही है, थिएटर का मजा तो नहीं आ रहा है। सो आई वॉन्ट लॉकडाउन टू गो, इफ दिस इज अ बायो वेपन, अगर एंड में डिक्लेयर हुआ चाइना का ये बायो वेपन है, मैं अपने कुत्ते को वहां पे छोड़ दूंगा, मार डालेगा उसको। मतलब we have had a worst experience because of this. मतलब हमने college join करा online में and we are only having online classes. और मतलब friends भी है ना, तो all over India, मतलब सारे जगह के students हैं, तो we haven't got to meet them and it's like killing us right now. College खोल दो, अब तो खोल दो। हाँ मुझे भी ऐसा हो रहा है, प्लीज अभी कॉलेज खोल दो ना, चलो ना, आएगा कोविड तो आता जाता रहेगा कि घर पे बंद होके बैठेंगे क्या, खोल दो अभी। तो जैसे अभी मतलब ये तो इसमें पेंडेमिक का वो हुआ ना, मतलब ऑफ कोर्स कॉलेजेस बंद हैं और ये, बट सिंस कितना खाली टाइम था सबके पास, दैट एवरीबॉडी मतलब सब कोई घर पे बैठे थे, तो जैसे सबने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, जाना होगा ना, राइट? लाइक जैसे मेरे एक पर्सनल केस में क्या हुआ कि अब जब मुझे घर के काम करने पड़े, घर पे रह के अब आराम से बैठ तो सकता नहीं हूँ, तो रियलाइज हुआ कि मम्मी कितनी मेहनत करती है। So, ऐसा कोई आपका इनसाइट जो आपको आया हो, या फिर आपने कुछ नया सीखा है, फिर ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस? हाँ, मैंने घर पे झाड़ू भी मारा है, मैंने पोछा भी मारा है, मैंने मम्मी को खाना बनाने में भी हेल्प की है, मैंने सब घर के तो सारे काम कर लिए मैंने, और बोर होता था, ठीक है चलो ना मार लेते हैं, पोछा मार दिया, उसमें भी मेरा डॉग जो है लियो वो पीछे पीछे घूमता रहेगा, ठीक है पोछा मारा, अच्छा ठीक है वहां पे पोछा मारा, वापस बिगाड़ दिया, तो बहुत बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ होता था। और लॉकडाउन में मतलब पहले फर्स्ट 2-3 months के बाद मतलब ऐसा लगता था चलना यार बस अभी बहुत हो गया, लेकिन फिर वापस हो रहा है, लाइक नहीं भाई मैं घर पे ही ठीक हूँ, अभी बाहर नहीं जाना मेरे को, बाहर जहां जाओ मास्क ऊपर करने, मास्क का ना गले का पट्टा बन चुका है अभी, मैं अपने डॉग को वॉक पे लेके जाता हूँ ना, गले के पट्टे के बगैर नहीं लेके जा सकता, कौन भाग जाएगा, मस्ती करेगा, तो इंसान भी घर के बाहर मास्क के बगैर नहीं निकल सकता, वो उसका लीश हो गया अभी एक मास्क। आपको तो बेनिफिट होगा ना मास्क का, मतलब जैसे आप स्टार हो तो आप कहीं जाते होगे तो वैसे लोग पीछे पड़ जाते होंगे, लाइक मास्क है तो आप कोई पहचाने का भी नहीं, तो आपके लिए तो बेटर है घूम लो। अरे मैं शाहरुख खान ऋतिक रोशन थोड़ी हूँ कि सड़क में सारे ही पहचानेंगे मेरे को। ओके लेकिन हाँ ठीक है, कभी कभी हो जाता है। Assume you're having a bad day. So, मतलब ऐसी कौन सी चीजें you do to lighten up your mood? Because like ऐसा हो सकता है ना, I do Netflix and chill. मेरे लिए सिर्फ एक ही solution है. So, what is one solution for you to lighten up your mood? भूलने के लिए. See, music या फिर एक movie अच्छी सी लगा के मैं बैठ जाऊँगा और वो मेरा mood अच्छा कर देगा. Either friends. I would legit just say friends. Netflix पे friends मेरा favorite है, मुझे बहुत पसंद है. तो अगर मैं थोड़ा भी सैड हुआ ना, मैं फ्रेंड्स लगा के बैठ जाता हूँ ऐसे, हाँ ठीक है, फिर मैं हंसता रहता हूँ। आई सॉ ऑन योर इंस्टाग्राम दैट चैंडलर वाला रील यू पुट ऑन, या यू मस्ट बी अ फ्रेंड्स फैन। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लाइक क्वेश्चनेयर सेशन एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सो इट्स अ गेम, नेम इट, ठीक है? इट्स बेसिक डम शराड्स ऑन पेपर। ओके, सो यू विल बी You'll be sent a word, okay? You'll get a message, a word, and you have to draw that on paper. And Ayush will guess through the drawing what it was. Okay. Come on, Ayush. Yes. Yes, sir. I will be sending you the questions. The chat. Okay. Yes. Yes. Send. WhatsApp. Yes, sir. And also, I forgot to mention, yes. 40 seconds ka time hai, 40 seconds ka. You have 40 seconds to and draw and guess both. Theek hai, I'll be the timer. Okay. So you got your word? Yes. Okay, so I'll start the time now.
अंदर का पिकासो बाहर लाओ आप। हाफ टाइम हो गया। हो गया? हाँ 30 सेकेंड। ताजमहल और पैलेस? समथिंग मोर देन दैट। समथिंग 40 सेकेंड्स ओवर। ओ हाँ क्या वो फोर्ट? ओ इट्स ओके, वो ताजमहल ही लग रहा था वैसे। रेडी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यू गॉट द वर्ड, आई विल स्टार्ट द टाइम। यस यस यस, स्टार्ट स्टार्ट। So, practice. Nice. Yes. 24 seconds we're done. Oh God, you're killing it. You're good at that. Yeah, difficult. Next word, sir. Yes, sir. Yes, I got the word. You can start the time. Okay, sir. And 8 seconds over. A thermometer or what is that? Thermometer, no. Can I join the game? 40 seconds over. Oh. Ha! Kya? Temperature. Okay, temperature. It's okay, it's okay. मैं भी कौन सा इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ। You got the word? Yes, yes, yes. Got the word. Okay, I'll start the time. A honeybee or thank God, drawing se pehchan liya. It was not at all a bad drawing, it was not. Okay sir, one more word. Done. Okay sir. मजा आ रहा है मुझे। यस Oh, 40 seconds over.
seconds over. Arey. It's a school bag. Well, yeah, but. So I'll give this point to you. You drew a school bag like in 40 seconds. Yeah. I wouldn't have been able to do that. Mil gaya, point mil gaya. Yeah, and you like outperformed us. Like we were bad at choosing words. We would have like no, not at all. Okay, so you must be playing Scribble a lot, do you? Nahi, bilkul bhi, kuch bhi nahi. I was just a good drawing kar leta tha main bachpan mein thodi bahut. I assume mere jaise aur bhi log honge. I am like, I really suck at drawing. Okay, so with this, like, we come to an end of this game. And now we'll move on to the third and the last segment, which is a rapid fire round. Say a word, comes to your mind, you'll just say it. Okay? So shall we begin? Yep. Okay. So first word is lockdown. Corona. Mumbai. Street food. Worst. Best. Best. Worst. Food. Yummy. Instagram. Followers. Karan. Yeah. What? Karan. What? Karan and Kabir. Karan. Oh, Karan. Kabir. Call. Call friends. Padhai. Nahi pasand. Travel. Fun. So this is the end of that rapid fire. Oh, and nice. It was like you were too good at it. And travel, I thought, like, when I was like looking over at your Instagram profile, like, it looked like you like to travel a lot. So I love traveling. Yeah, so it's like something just solace deta hai ekdam, matlab soul ke liye ekdam hota na, it's necessary for you. So it's something important to you. Yes. So yes, so with this, we come to an end of this episode. So it was a really, really great experience talking to you. So what is your review for Live Talks ISM? See, to be very honest, maine aise bahut podcast kiye. In fact, mera jo YouTube channel hai, usme bhi jo banda hai mere saath, jo jisne pehle mera podcast kiya tha, Arjun, uska bhi itna boring podcast tha. Sab podcast mein ek hi question hote hai. आप लोगों का पॉडकास्ट इतना ज्यादा एक्साइटिंग था, इतना इंटरएक्टिव था, मतलब बात करने में भी ऐसा नहीं लग रहा क्या यार जबरदस्ती, हाँ ठीक है चलो बोल देते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था. आई मीन लाइक इट वाज वेरी लाइवली, इट वाज वेरी इंटरएक्टिव, एंड आई डोंट थिंक इफ ऑन एनी पॉडकास्ट आई हैव ओपनड अप सो मच, लाइक सो मच नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. आई मीन आई वुड से माय टाइम वाज वेल स्पेंट, लाइक वेरी वेरी वेल स्पेंट. So we are really, really, really obliged by your presence, and I was really grateful you took time out of your busy schedule for this episode. So thank you for being here. Thank you so much for having me. It was a very, very, very good session. I loved it. And we also hope that once this pandemic ends, we can have you in our campus and have a one-to-one interaction. Definitely, I would love to visit you all. Okay, thank you so. Thank you so much. Yep.